हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न आर क्लास। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का लेसन नंबर 4 हीट पढ़ेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, टेम्परेचर क्या होता है, हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे नापते हैं, इसके अलावा जो हमारे थर्मामीटर्स थे वो किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट कैसे एक दूसरे जगह से प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हीट होती है वो गर्म से ठंडे तरीके से जाती है। पहले गर्म ऊष्मा जो होती है गर्म से ठंडे की तरफ बहती है, जो फ्लो करती है वो गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो करती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर दो ब्रिक्स दी हुई है, इसमें एक आयरन रॉड लगा रखी है। इस आयरन रॉड की पॉइंट पर कोने पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, कैंडल। इस कैंडल से जब ये हीट लेगी, गर्म होगी, तो ये रॉड एंड टू पॉइंट से लगाकर धीरे 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 तो ब्रेक तक पहुंच जाएगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो हॉटर टू कोल्डर की तरफ मूव करती है। यहाँ पर यही है। और सेकंड थिंग आपको याद रखने वाली बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे स्पीडली जो होती है मूव करती है। जैसे कि आपको बताया मैंने यहाँ पर कि आपको एक स्ट्रिप मेटल की लेनी है। स्ट्रिप जो आप मेटल की लेंगे या एल्युमिनियम और आयरन की लेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो मोमबत्ती के पास रखा हुआ जो पोर्शन है उससे क्या है, ये धीरे 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 कहाँ चली जाएगी, ईंटों के पास में चली जाएगी। उससे क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही हम लोग जब इसके लिए, अगर मैं वुड का या प्लास्टिक का अगर कोई पीस लेती, स्ट्रिप लेती, तो वो क्या हो जाती, मेल्ट हो जाती। और मेल्ट हो जाती तो उसमें क्या हो जाता, क्योंकि वो उस ऊष्मा को सहन नहीं कर पाती है। ऊष्मा सहन करने वाले जो होते हैं वो केवल धातु ही होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, कि जो ये प्रोसेस होता है, ये जो क्रिया होती है कि जो गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, इस क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जो सॉलिड में जनरली होता है, मैंने आपको बताया कि जो हीट ट्रांसफर्ड होती है, जो कंडक्शन होता है, वो सॉलिड थिंग्स में होता है, ठोस वस्तुओं में ही पाया जाता है। यहाँ पर एक्टिविटी आपको दी हुई है, इस एक्टिविटी में बताया है कि आप एक इससे पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि हीट जो है, वाटर इन अ स्मॉल पैन ऑफ अ बीकर, आप एक पानी लेंगे, एक बीकर में, एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें कुछ स्टील के स्पून्स डालेंगे, कुछ चम्मच स्टील के हम लोगों ने डाल दिए हैं। उसमें आप लोग प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, डिप एंड टू द आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर, आप लोग उसमें गर्म पानी में, जो बीकर था उसमें ये सब चीज़ें, जैसे प्लास्टिक, स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है, ये सब चीज़ें डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए आप लोग कुछ मिनट के लिए जब वेट करेंगे, तो एंटर द ऑब्जेक्शन इन द टेबल 3, तो उसके बाद में जो आपको मेटल जो होगा वो तो हीट ले लेगा, जो गर्म हो जाएगा। जैसे स्पून डाली थी आपने, चम्मच डाली थी, वो क्या हो गई, गर्म हो गई। लेकिन पेंसिल और स्केल गर्म नहीं होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हीट जो है वो कंडक्शन नहीं होती है, मेटल्स में ही होती है, ठीक है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स। और जिन प्रोसेस से मैंने आपको बताया था अभी कि कंडक्शन की जो क्रिया होती है, जो कंडक्शन की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको करने वाले जो मीडिएटर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंडक्टर, इस ब्रिक वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि पहले हम लोगों ने दो ईंटें रखी, फिर एक छड़ लिखी, लोहे की एक छड़ रखी, तो ये छड़ जो है ये हमारा किसका काम कर रही है, कंडक्टर का काम कर रही है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो हीट को जल्दी प्रवाहित करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम और आयरन, कॉपर मटेरियल्स के जो होते हैं, ये बहुत अच्छे स्रोत हैं कंडक्टर्स के। और सबसे जो कंडक्टर्स की कैटेगरी में नहीं होते हैं, इन्हें इनसॉल्यूटर्स कहते हैं। ये इनसॉल्यूटर्स जो होते हैं वो होते हैं प्लास्टिक और वुड, ये जो होते हैं ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें आप हीट देंगे तो या तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, और या फिर ये हीट लेंगे ही नहीं।
ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो पानी है और हवा है ये भी पुअर कंडक्टर्स है, इनमें भी कोई भी तरीके का कंडक्टर नहीं होता है, कंडेंशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये भी मेटल नहीं है, अभी आपको मैंने बता ही दिया था। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर लाइक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है, कैसे पहुँचती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी है बुक में, इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोग देखेंगे कि आप एक बीकर में पानी लेंगे, उसे एक फ्लेम पर, ये एक स्टोव पर रखेंगे। इस स्टोव पर रखने के बाद जो पानी होगा सबसे पहले कहाँ का गर्म होगा, जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ का पानी गर्म हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जो पानी गर्म हो गया है, गर्म जो भी चीज़ हो जाती है ना वो बिल्कुल हैवी नहीं रहती, वो लाइट हो जाती है, और लाइट होने के बाद क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। आप दूध को, मिल्क को गर्म करते हैं गैस पर, जब आप मिल्क गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उफनने आ जाता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, और अगर ध्यान नहीं दो तो वो गिर जाता है, भगोने से बाहर आ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम लोग गर्म कर लेते हैं हीट पर तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी में यही है कि एक बीकर में मैंने पानी लिया, नीचे स्टोव पर उसको रखा, स्टोव पर रखने के बाद में जो पानी था वो धीरे 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 गर्म होने लगा, और जो गर्म था वो किनारों से नहीं होगा, पहले मिडल से गर्म होगा, और बीच में से गर्म होने की वजह से वो अपनी जगह छोड़ेगा, और जो किनारों का पानी है वो वापस कहाँ चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, और उसके बाद में जब पानी एब्सोल्युटली पूरा बीकर का पानी गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर उठकर बुलबुलों की तरह आपको दिखाई देने लगता है। देन हमारा नेक्स्ट एक और हम लोग एक्टिविटी करते हैं कि आप एक कैंडल लेंगे, एक कैंडल के पास अपना हाथ लेकर जाएंगे, कैंडल के पास में जब जली हुई एक मोमबत्ती है उसके ऊपर आप अपना हाथ लेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, लेकिन उसके ऊपर आप अपना दूसरा हाथ रखिए तो आपको दूसरा हाथ जो है वो गर्म महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल किसके पास में, हीट के पास में, और हीट के पास में होने की वजह से क्या है, कन्वेक्शन, जिसे कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन की प्रोसेस होता है, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है ये हमारे क्या करता है, जगह को पहले मिडिल से गर्म करता है, और मिडिल से गर्म होने के बाद जब वो हम लोग हटाते हैं वो अपनी जगह छोड़ देता है, और गर्म जब जगह छूट जाती है तो खाली जगह पर वापस जो हल्का या भारी पानी, जो भारी पानी होता है वो वापस अपनी जगह ले लेता है। ठीक है, अब यही कारण है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है, इसका एक एग्जांपल बच्चों आपको मैं बताती हूँ। सी ब्रिज होते हैं जहाँ पर कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे के घर होते हैं, अब समुद्र के किनारे के घर होते हैं वो ठंडे क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों क्या होता है कि जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग जो होते हैं वो मौसम का बहुत अच्छे से लुत्फ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जगह होती है, जो कोस्टल एरिया का लैंड जो होता है, मैदान जो होता है वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है, जबकि पानी जो होता है वो गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो देखिए जो एयर होती है वो सबसे पहले कहाँ से आती है, समुद्र से आती है, और समुद्र से आने के बाद में वो क्या होती है, जो धरती होती है, जो मैदान समुद्र के पास का जो मैदान है वो गर्म होता रहता है, उस मैदान से टकरा कर वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि गर्म होने के बाद जो भी एयर है, वाटर है, वो सब क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो ऊपर की तरफ उठता है। तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती है वो मैदानों से गर्म होने वाली धरती से गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर तरफ उठने के बाद वो वापस समुद्रों में जाती है, जिसे कि हम लोग एक रोटेशन या साइकिल बोलते हैं। तो वो जो ब्रिज होती है इन्हें हम लोग सी ब्रिज कहते हैं, और वापस जो खाली जगह हो जाती है, वापस देखिए आप समुद्र का जो पानी है वहाँ से हवा आई, फिर वो समुद्र के किनारे जो मैदान था उससे टकरा कर ऊपर उठ गई, लेकिन बाद में वापस जगह खाली हो गई मैदान पे, तो वहाँ पर वापस क्या हो गया, वापस हवाएं आएगी और वो वापस की तरफ उठेगी। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज होते हैं। सी ब्रिज जो होती है वो समुद्र से आकर और लैंड से टकराती है, मैदानों से टकराती है। उसके बाद है लैंड ब्रिज। अब अभी आपको मैंने बताया कि जो मैदान होते हैं वो गर्म भी ठंडे होते हैं बच्चों, और ठंडे भी जल्दी होते हैं, जबकि पानी है तो गर्म भी थोड़ा जल्दी नहीं होता है और ठंडा भी जल्दी नहीं होता है। तो लैंड ब्रिज में होता है कि जो समुद्र के पास की जो ज़मीन होती है वहाँ से चलने वाली हवाएं पानी की तरफ जाती है, और पानी की तरफ जाने की वजह से वहाँ पर अपनी ऊपर की तरफ उठती है और वो ठंडी हवाएं बन जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। ओके बच्चों, इट इज़ क्लियर। अब होता है हमारा रेडिएशन। अब रेडिएशन मतलब होता है बच्चों की जिसमें किसी भी ऊष्मा के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तो हमने एक छड़ का और एक ईंटों का जो एग्जांपल लिया था उसे हमने क्या कहा था
कि जो ईंटें थी उसे एक छड़ के माध्यम से मोमबत्ती के पास लगाया गया था तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित हुई, लेकिन जो रेडिएशन की क्रिया होती है उसमें हमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र में या पूरे अर्थ पे हमारे क्या है, सन है। अब सन जो होता है उसकी ऊष्मा हमारे धरती पर आती है, अब ऊष्मा धरती पर आती है तो उसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है ना बीच में, तो जिसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। और जो एयर और वाटर है ये सबसे अच्छे एग्जांपल किसके हैं, रेडिएशन के। इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है। वही चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर व्हेन वी सिट इन अ फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, कि अगर आप कमरे में गर्म रूम के पास में बैठे हुए हैं, हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ गर्म होती है, रेडिएशन की जो क्रिया होती है उसमें चीज़ें जो गर्म होती है वो ठंडी भी बिना किसी मीडियम के ही हो जाती है वो। लेकिन वो कहाँ पर चला जाता है, रेडिएशन की हीट कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, सराउंडिंग आपके चारों तरफ फैल जाती है। अब देखेंगे आप कि जहाँ पर गर्मी की जो बर्तन आप जो होते हैं वो उतार कर रखते हैं तो वो धीरे 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 ठंडे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो हीट है, उस बर्तन की जो हीट होती है, जैसे गर्म भगोना आपने उतार के गैस के ऊपर से उतार कर और नीचे आंगन में रखा, आंगन में रखने के बाद वो खुद ठंडा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, आपकी सराउंडिंग जो होती है आपके चारों तरफ अपने आप उसको वातावरण ले लेता है, लेकिन वातावरण में ये गर्मी आ जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस। ऑल द हॉट बॉडीज हेडिरेट हीट, हम लोग सभी क्या होते हैं, हम लोग सभी जो है रेडिएट करते हैं हीट को, हमारी सबकी जो बॉडी होती है वो हीट रेडिएट करती है, प्रवाहित करती है, निकालती है। इसमें है व्हेन द हीट फॉल्स सम ऑब्जेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्ट एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट एनी ट्रांसमिटेड, जो हमारी हीट होती है वो हम लोग लेते हैं तो उसे ट्रांसमिटेड भी करते हैं, वापस प्रवाहित भी करते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी में अगर गर्मी गर्मी होगी तो आप लोग को बहुत गर्मी महसूस होती है, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि जो हीट हम लोग रेडिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होती है और वापस ट्रांसमिटेड भी हो जाती है। अब यहाँ पर है काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम लोग जानेंगे कि कॉटन के क्लोथ्स हम लोग गर्मी में क्यों पहनते हैं, लाइट कलर के क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये लोग विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये लोग ऊष्मा के भी कुचालक है। अब ऊष्मा जो है कॉटन के कपड़ों में, हीट जो है कॉटन के कपड़ों में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है वो, और लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो बच्चों क्या कर देते हैं, वापस उसको ट्रांसमिटेड कर देते हैं, लेते ही नहीं है। और सर्दी में हम लोग ब्लैंकेट्स जो होते हैं, वूल जो है वो सबसे पुअर कंडक्टर है, पुअर जो है प्रोसेस रिसोर्स है किसका, हीट का। अब वो हीट जो होती है वो जाली वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं, वूल जो होती है, वूल में एक छोटे 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 छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में जो होती है वो घुस जाती है और वो वापस ट्रैप हो जाती है, एक जाल की तरफ बुन लेती है, बना लेती है अंदर की तरफ, तो वो हीट वापस निकल नहीं पाती है। इसीलिए हम लोग ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं, और ब्लैंकेट्स का यूज़ करने के बाद में क्या होता है, आपको विंटर में जो है सर्दी का एहसास नहीं होता है। इसी तरीके से और इस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, इसीलिए हम लोग विंटर में वार्म क्लोथ्स यूज़ करते हैं और गर्मी में हम लोग कॉटन या लाइट कलर के क्लोथ्स यूज़ करते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम आगे इसकी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिन्हें आपको कॉपी में करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।